नमस्कार दोस्तों, दी प्रोफेशनल का ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीवी जगत से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। जी हां, टीवी जगत की एक मशहूर अभिनेत्री मनीषा यादव की निधन की खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि जी टीवी के मशहूर सीरियल जोधा अकबर में सलीम बेगम की किरदार निभाई थी मनीषा यादव। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनीषा यादव की मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण हुई है, लेकिन अभी इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुई है। आज सुबह से ही मनीषा यादव के निधन की खबर सामने आ रही है, लेकिन उनके प्रशंसकों को अभी भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे अचानक मनीषा यादव की मृत्यु हो गई। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जी टीवी के मशहूर टीवी सीरियल जोधा अकबर में मनीषा सलीम बेगम की भूमिका में देखने को मिली थी और उनके काम को लोगों ने काफी पसंद किया था। कुछ खबरों में ये भी सामने आ रहा है कि मनीषा यादव की निधन की खबर फेक है। तो चलिए जानते हैं ये खबर सच है या झूठ। तो इससे पहले आपको बता दूं कि मनीषा यादव का जन्म 11 फरवरी 1992 में बेंगलोर में हुआ था। वह शादीशुदा थी। उनके पति का नाम ज्योति जैन सुमित सेमवाल है। मनीषा यादव एक तमिल फिल्म अभिनेत्री और मॉडल है। वह कई तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है। अभी मनीषा के परिवार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अभी जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट से सामने आ रही है उसके अनुसार यही लग रहा है कि अब मनीषा हमारे बीच नहीं रही। जैसे ही इस खबर की अधिक जानकारी हमें मिलती है तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे।